वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए ज़बरदस्त सा ग्रीन टी फेशियल फेस पैक लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी और आप 50 के होने के बावजूद भी 20 की नज़र आएंगी। जितना ग्रीन टी हमारे जिस्म को फादियत देती है, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इसका हमारी स्किन पर होने वाला है। अगर आपकी स्किन पर एजिंग के साइन हैं, आप बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं, उम्र को हम रोक नहीं सकते लेकिन अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं, जवान रख सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, इसका कोलेजन को बूस्ट कर सकते हैं, तो आज का फेस पैक आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है। ग्रीन टी इसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। पहला इंग्रेडिएंट जो इसमें हम शामिल करेंगे वो है गंदम का आटा। वीट फ्लावर हम इसमें ऐड करेंगे। एक चम्मच हमने वीट फ्लावर लेना है। वीट फ्लावर हमारी जितनी भी फेस पर सन डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करेगा, हमारी स्किन को इलास्टिसिटी को प्रमोट करेगा। अब इसको जो हमारी खो चुकी है स्किन की शाइन, उसको वापस लेकर आएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ग्रीन टी। हमने एक ग्रीन टी बैग लेना है। ग्रीन टी अब क्या हमारे चेहरे पर जादू करने वाली है, ये एंटी एजिंग है, हमारी स्किन की एक्ने को ट्रीट करेगी, बेस्ट क्लिंजर है, हमारे डार्क सर्कल को रिमूव करेगी, हमारी स्किन को टोन करेगी, हमारी स्किन को सूथ करेगी, जितनी भी हमारी स्किन पर सन बर्न हो चुका है उसको ख़त्म करेगी। इसके अलावा ये और क्या काम करेगी कि ये एंटी इन्फ्लामेशन है, फेस पर अगर हमारी किस्म की एक्नी है उसको ट्रीट करेगी, हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगी, हमारी स्किन पर जितने भी रिंकल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उनको ख़त्म करेगी। तो ये ऑल इन वन जो है वो पैक बनकर तैयार होने वाला है, जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो आपने क्या करना है कि इसको आपने कंज्यूम भी करना है, पीना भी है, साथ साथ इसको अपने फेस पर अप्लाई भी करना है। पीने के साथ तो आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, ये कैंसर से फाइट करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है। तो ये आप कंज्यूम भी करेंगे और आप इसको एप्लीकेशन भी, इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन भी करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें ऐड करनी है वो है हनी। हनी बेस्ट मॉइस्चराइज़र है हमारी स्किन के लिए। ये हमारी स्किन पर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होगा उसको कंट्रोल करेगी। ये एंटीसेप्टिक है, आपका वायरल इन्फेक्शन है, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपकी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन है, आपकी स्किन पर पिंपल्स हैं, आपकी स्किन पर किसी किस्म की एक्नी है, ये आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, आपकी स्किन को की हेल्थ को अच्छा कर देगा। इसमें विटामिन B6 होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने एक चम्मच हनी इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट जो हमने इसमें चीज़ डालनी है, उसके डालने के साथ हमारे ये पेस्ट बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। हमने इसमें डालना है एक चम्मच कच्चा दूध। एक चम्मच हम पहले डालकर देखेंगे, अगर हमारा पेस्ट थोड़ा थिक हुआ तो हम इसमें एक चम्मच और ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने डाला है आटा। आटा जितना वो भी मॉइस्चर है उसको पहले एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। तो अगर हमें ये कम लगेगा इसमें दूध, तो हम इसको थोड़ा सा और दूध इसमें ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को बरकरार करेंगे। देखिए ये थोड़ा सा थिक मुझे लग रहा है, इसकी एप्लीकेशन में हमें मुश्किल हो सकती है, तो मैं इसमें एक चम्मच और दूध का ऐड करूँगी। रॉ मिल्क क्या करता है कि ये अपने आप में ही एक बेस्ट क्लिंजर है। हमारी स्किन पर जितनी डस्ट है, जितनी डर्ट है, किसी भी किस्म की पोल्यूशन है, उसको ये अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा और हमारी स्किन जब क्लीन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ब्राइट हो जाएगी। अच्छे तरीके से सारे मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है। अब इसकी बारी आती है कि एप्लीकेशन की, इसको कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। हर एज का बंदा इसको अप्लाई कर सकता है, टीनेजर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, बड़े अप्लाई कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फीमेल कर सकते हैं। देखें इसकी खूबसूरत सी कंसिस्टेंसी जितनी हमें चाहिए वो बनकर तैयार हो गई है। हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, हमने हल्के हाथों से इसको अपने फेस पर हल्का हल्का रब करते हुए अप्लाई करना है। अभी हमने इसकी मसाजिंग नहीं करनी, सिर्फ हल्का हल्के हाथों से इसको रब करना है, ताकि जो इसकी पेनिट्रेशन का अमल है वो ज़रा सा तेज़ हो जाए और अच्छे तरीके से हमारी स्किन में पेनिट्रेट हो सके। हमने इसको हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपनी जब स्किन पर सबको अप्लाई कर लेना है, फिर इसको छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर लें। कंप्लीट वीडियो देखनी है, स्किप आपने नहीं करनी, ताकि आप इसके बेस्ट रिज़ल्ट देख सकें। अभी इसका आधा हिस्सा बाकी है।
जब आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लें, अब इसको आपने 10 मिनट के लिए अपने फेस पर छोड़ देना है। आपने इसको ड्राई नहीं होने देना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इसको ड्राई नहीं होने देना। आप जब 10 मिनट कंप्लीट हो जाएं, फिर आपने ले लेना है वही कच्चा दूध जो हमने इसमें 2 चम्मच ऐड किया था, बाकी जो बच गया था वही आपने कच्चा दूध लेना है। उसमें अपनी फिंगर्स को डिप करना है और अपने फेस पर इसको अच्छे तरीके से मसाज करते हुए, जो भी हमने पैक बनाया है ना, उस पैक को समझ लें कि हमने ढीला करना है, उसको अपनी स्किन से छुड़वाना है और हमने उसको नरम करना है ताकि वो हमारी स्किन को छोड़ दे। और साथ साथ मसाज होता जाएगा तो जो भी हमारी स्किन पर उसने असरात किए हैं वो अच्छे तरीके से हमारी स्किन में जज्ब हो जाएंगे, और साथ साथ जो कच्चा दूध है वो अपना काम जो हमारी स्किन को खूबसूरती फ्राहम करेगा वो भी साथ साथ करता जाएगा। आपने दूध लेते जाना है और इसको अच्छे तरीके से मसाज करते जाना है। 5 मिनट तक आपने अच्छे तरीके से दूध के साथ अपने फेस पर मसाज करना है। बहुत ज़्यादा सख्त हाथों से मसाज नहीं करना, हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए अपने फेस पर मसाज कर लें और आपको लगे कि आपका जितना भी मास्क आपने अपने फेस पर अप्लाई किया था उसके सारे पार्टिकल्स ने आपकी स्किन को छोड़ दिया है, वो ढीला हो गया है, देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखा रही हूँ, फिर आपने इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। जब आप इसको वॉश करेंगे तो जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे आप इसको इसके बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। देखिए मैंने अपना हाथ वॉश किया है और कैसे मेरा हाथ चमक उठा है। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं आपके फेस पर आएंगे कि कोई भी आपने फेस पैक इस्तेमाल किया हो लेकिन आपको इतने बेहतरीन रिज़ल्ट उसके नहीं मिलेंगे जितने आपको इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही मिलेंगे। इतनी शाइन आती है, इतने आपके हाथ चमकने लगते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं कि इस पैक का इतना अच्छा रिज़ल्ट है। आपने इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अप्लाई करना है, बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।